रतलाम में कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खाद वितरण केंद्र पर किसानों के साथ किए गए प्रदर्शन के मामले में लूट का केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान कलेक्टर से कांग्रेस नेताओं की बहस भी हुई। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रशासन और कलेक्टर को अहंकारी करार देते हुए विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। रतलाम में कांग्रेस के 6 विधायक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 1.5 घंटे तक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस के 6 विधायक देर शाम तक कलेक्टर को गेट पर बुलाने पर अड़े रहे, जिसके बाद कलेक्टर से केबिन में मिलने पहुंचे कांग्रेसी विधायकों की कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से बहस हो गई, जिस पर विधायक जीतू पटवारी कलेक्टर की शिकायत विधानसभा में करने की बात कहकर ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा विधायक अपने दायरे में रहकर काम करें। वहीं कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कलेक्टर और अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने की बात भी कांग्रेस विधायकों ने कही। ये मैं प्रदेश क्या जानता है क्या नहीं, मुझे आपसे ज्यादा समझ ऐसे बदतमीजी से प्रशासन ने बात की, इनसे हम बातें नहीं करेंगे। जनप्रति इनको विधानसभा में इनकी शिकायत करो, सारे विधायकों से एक साथ मिलकर इनकी शिकायत करो। बात हो रही है आप मीडिया से बात करें, विधानसभा में आने के लिए तैयार हो। दरअसल कांग्रेसी विधायक मनोज चावला पर प्रकरण दर्ज होने के मामले में जिला प्रशासन से मिलने और ज्ञापन देने पहुंचे थे कांग्रेसी विधायक, लेकिन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी उनका ज्ञापन लेने बाहर नहीं पहुंचे। यही बात कांग्रेस नेताओं को नागवार गुजरी और वे कलेक्टर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर लगातार जुबानी हमले करते नजर आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।